अपना बनाकर फिर कुछ दिनों में बेगाना बना दिया, अपना बनाकर फिर कुछ दिनों में बेगाना बना दिया, जब भर गया दिल हमसे तो मजबूरी का बहाना बना दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं राजीव कुमार गुप्ता आपका अपना YouTube चैनल बिहारी मैथ्स में स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम लोग एक नए शायरी के साथ नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क, यानी समय और कार्य। दोस्तों ये जो चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों, बहुत ही बेसिक तरीका से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, यानी इतने बेसिक तरीके से स्टार्ट करेंगे जो कभी आप ना भी पढ़े हो फिर भी आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों विलंब न करते हुए बढ़ते हैं आपके चैप्टर की ओर और चैप्टर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देते हुए तब हम आगे इसके क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्लास। दोस्तों आज का जो चैप्टर है वो है समय और कार्य, समय और कार्य। ये जो चैप्टर है यानी टाइम एंड वर्क, ये जो चैप्टर है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम आपको दे देते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी कितना काम होता है तो एक काम होता है, कोई भी काम कितना होता है, एक काम। दूसरी जानकारी कि कोई भी आदमी है अगर पूरा काम अगर 10 दिन में करता है तो एक दिन का जो काम होगा वो दोस्तों होगा, ये 10 दिन में पूरा काम करता है तो एक दिन में उसका उल्टा यानी 1/10। मान लीजिए आप तो एक दिन का, हो सकता है 2 दिन, तो 2 दिन का काम अगर बोले तो आप यहां से क्या करो 2/10, यानी इसको काटेगा तो 1/5। अगर 3 दिन का काम बोले तो 3 दिन का काम होगा 3/10, नहीं कटेगा तो वही। अगर मान लीजिए कि 4 दिन का काम बोले तो आपके पास हो जाएगा 4/10 यानी 2/5। यानी ये बात आप समझे कि अगर पूरा काम जितना भी रहे एक दिन का बोले तो जस्ट उसका 1/10 कर दो। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में एक और लेते हैं कि पूरा काम कोई भी व्यक्ति 20 दिन में करता है तो उसका एक दिन का कार्य बताइए तो 1/20। अगर हम बोले कि 2 दिन का कार्य बताइए तो 2/20। अगर हम 3 दिन का कार्य बोले तो 3/20। 4 दिन का तो 4/20। ये पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट आपका कहता है कि एक इसमें भाषा का प्रयोग कहता है टोटल वर्क और एक होता है क्षमता। ये दो बात आपको समझनी है। जैसे मान लीजिए इसको दो बात समझने के लिए, जैसे मान लीजिए कि एगो ए है और एगो बी है, ये 10 दिन में काम करता है और ए 15 दिन में काम करता है। ये 10 दिन में काम करता है कोई भी काम, ये 15 दिन में करता है, तो हमको सबसे पहला नंबर टोटल वर्क निकालना पड़ता है। तो टोटल वर्क निकालना पड़ेगा तो टोटल वर्क जो होता है वह होता है, अगर दो पार्ट है तो दोनों पार्ट का जो समय दिया है उस समय का आप ले लो एलसीएम, यानी टोटल वर्क जो है समय का एलसीएम ही टोटल वर्क कहलाता है। तो इस दोनों के समय का एलसीएम, ये 10 है 15 है, तो इसका एलसीएम कितना होगा, 10 15 का एलसीएम कितना 30, इसका मतलब टोटल वर्क कितना हो गया 30। अब टोटल वर्क के बारे में आप समझ गए कि हो गया 30। अब आते हैं एकर क्षमता। तो क्षमता क्या होता है, तो पर डे किया गया काम ही आपका क्षमता कहलाता है। तो देखिए इसका पर डे का वर्क कितना हो जाएगा, तो 10 दिन में 30 काम, तो इसका मतलब पर डे मतलब एक दिन में कितना काम, तो 10 से डिवाइड कर दो क्या मरते में, 3 मरते में, तो एक दिन में हो जाएगा ये 3 काम, यानी 3 जो है वह एक दिन का क्या हो गया क्षमता। अब आपके पास 15 है तो 15 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में एकर क्षमता कितना है, तो एक दिन में एकर क्षमता हो जाएगा 15 से क्या मरते में, तो 2 मरते में, तो एकर क्षमता हो गया 2। तो अब आप समझ चुके हैं कि क्षमता कैसे निकलता है और टोटल वर्क कैसे निकलता है। एक और एग्जाम्पल देते हैं दोस्तों, जैसे हम बोले कि ए है ई बी है, एक और पार्ट भर गया सी, और ये 10 दिन ये 12 दिन और ये 15 दिन, यानी 10 दिन ये लेता है, ये 12 दिन लेता है और ये 15 दिन। अब ध्यान से देखिए दोस्तों कि अब हमको इसका टोटल वर्क निकालना है, तो हमने क्या बताया कि टोटल वर्क जो होता है जितने भी व्यक्ति हैं उनके द्वारा लिया गया समय का एलसीएम ही टोटल वर्क कहलाता है। यानी जितने भी व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है या 3 व्यक्ति है या 4 व्यक्ति है या 5 व्यक्ति है, जितने भी व्यक्ति है उनके द्वारा
लिया गया समय का एलसीएम ही टोटल वर्क कहलाता है। तो उनके द्वारा लिया गया समय, यहां पर तीन व्यक्ति है तो तीन व्यक्ति के द्वारा लिया गया समय 10, 12, 15, तो इसका जो है एलसीएम जो निकालेंगे तो एलसीएम जो निकलेगा वही ना टोटल वर्क कहलाएगा। तो टोटल वर्क इसका एलसीएम यानी 10, 12 और 15 का जब एलसीएम निकालोगे दोस्तों तो निकलेगा कितना 60। तो आप समझ गए कि टोटल वर्क क्या होता है। तो टोटल वर्क होता है उनके द्वारा लिए गए समय का एलसीएम। अब आते हैं क्षमता, इसमें निकालते हैं तो क्षमता क्या करना है, तो इसका पर डे वर्क ही क्षमता कहलाता है, यानी पर डे जितना एफिशिएंसी है वही उसका क्षमता कहलाता है। ध्यान देखिए, ये 10 दिन में अगर 60 काम किया है तो एक दिन में कितना करेगा, तो 10 से डिवाइड कर दो, या डिवाइड मतलब भाग कर दो, तो 10 से भाग करेगा 60 में, तो मरते में 6 मरते में, तो इसका मतलब एकड़ क्षमता हो गई 6। अब एकड़ क्षमता निकालना है तो 12 से डिवाइड करो क्या मरते में 5 मरते में, तो 5 मरते में कटेगा इसका, इसका क्षमता हो गई 5। अगर ये 15 से काटेंगे तो क्या मरते में 4 मरते में, इसका मतलब इसका क्षमता हो गया 6, एगो का क्षमता 5, एगो का क्षमता 4। इसका मतलब आप समझ चुके हैं कि क्षमता कैसे निकलता है, टोटल वर्क कैसे निकलता है। अब आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा और अलग बात, ध्यान से देखिए, अगली बात समझने की कोशिश की जाए दोस्तों। जैसे हम लिखे कि ई ए है आई बी है, इसके द्वारा समय का जो रेशियो है वह 1:2 है, तो क्षमता का रेशियो क्या होगा, तो क्षमता का रेशियो जस्ट उल्टा। जस्ट उल्टा का मतलब आपके पास क्षमता हो जाएगा 1:1:2। अब इसका रेशियो जब फ्रैक्शन तोड़िएगा तो इसका सीधा सीधा आपके पास से फ्रैक्शन तोड़ लीजिएगा, एलसीएम 2 होगा नीचे का, 2 से क्रॉस गुना करके तोड़ लीजिए, या आप इसको एलसीएम लेकर काट कर तोड़ लीजिए, तो इसको जब तोड़िएगा तो 2:1 आएगा। हम ये बात अभी डायरेक्ट हम तो ये भी बता सकते हैं कि 1:2 है तो क्षमता 2:1 हो जाएगा डायरेक्ट। लेकिन अगर मान लीजिए 3 गो जगह हो जाए, 4 हो जाए, तो वहां पर तो डायरेक्ट उलट के तो नहीं ना लिख सकते हैं, 2 गो में कंपेरिजन करना है, तो आप इतना ना करके डायरेक्ट कर सकते हो कि 1:2 है तो जस्ट एक उल्टा, यानी 2:1 कितना होगा 1। बात ये भी समझ सकते हो। दूसरा आप देखिए यहां पर कि मान लीजिए कि 3 व्यक्ति हो जाए, जैसे मान लीजिए ए है, बी है और सी है, एकर समय का जो रेशियो देने है वह 1:2:3। तो अब एकर क्षमता का जब रेशियो निकालना पड़े तो क्षमता जस्ट उल्टा, तो अब तो 2 गो था तो आपस में पलट देते थे, लेकिन जब 3 गो है तो आपस में तो नहीं पलटाएगा, तो कैसे करेंगे, तो उल्टा कर देंगे। उल्टा का मतलब क्या, जस्ट उल्टा, तो 1 नीचे एक छुपल है तो 1:1, और ये 2 है नीचे एक छुपल है तो 1:2, और ये 3 है तो 1:3। अब आपको रेशियो में पढ़ाए थे उस समय, आपको सिखाए थे कि जब भी फ्रैक्शन में हो तो रेशियो, तो उसको तोड़ने के लिए आप क्या करो, नीचे वाला पार्ट का एलसीएम लेकर गुना कर दो, यानी नीचे वाला पार्ट ये, यानी 1, 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 मरते में, ये 3 मरते में, आई ये 6 था, तो 6 से 6 रह जाएगा, ये कटेगा नहीं, ये मान लो ये 6 के 6 रहेगा, तो 6 एकम 6, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, इस प्रकार इसका रेशियो जो होगा क्षमता का वह 6:3:2। तो बस बात इतनी सी समझने वाली है दोस्तों कि अगर कभी भी समय का रेशियो दिया रहे और क्षमता का रेशियो पूछे तो जस्ट उसका उल्टा कर दो। उल्टा का मतलब क्या हो गया, 1:1 से मान लीजिए 2:3:5 है, तो क्षमता का जो रेशियो होगा वह 1:2:1:3 और 1:5 इस प्रकार से होगा। अब आते हैं दोस्तों कि अगर क्षमता का रेशियो समय का पूछ दे, तो बस वही बात कि अगर समय दे क्षमता का पूछे तो अपोजिट, क्षमता दे दे समय का पूछे तो भी अपोजिट, यानी समय और क्षमता एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्षमता का रेशियो समय का अपोजिट और समय का रेशियो क्षमता का अपोजिट। अब आते हैं दोस्तों, जो भी आप पढ़े उसके बारे में थोड़ी सी एक छोटी सी क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि दिलीप एक खेत को 9 दिन में अकेले काट सकता है और राम उसे अकेला कै दिन में, 12 दिन में काट सकता है, तो दोनों मिलकर उस खेत को कितने दिन में काटेंगे। तो ध्यान से देखिए, आपके पास दो व्यक्ति हैं, एक है व्यक्ति दिलीप और दूसरा जो व्यक्ति है वो व्यक्ति है राम। ये कितना दिन समय लेता है, तो 9 दिन। दूसरा व्यक्ति कितना दिन समय लगता है, तो वो लेता है आपका 12 दिन। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया था टोटल वर्क जो दोस्तों निकलता है वो जितने व्यक्ति के द्वारा लिया गया समय है उस समय का एलसीएम ही टोटल वर्क कहलाता है। तो ये देखिए, ये 9 है और ये 12 है, तो ये लिया गया इसका समय 9 है, इसका लिया गया समय कितना है 12, तो इस दोनों का एलसीएम ही टोटल वर्क कहलाएगा। तो एलसीएम 9 और 12 का एलसीएम निकालिएगा दोस्तों तो कितना आएगा,
तो 9 और 12 का एलसीएम निकालिएगा दोस्तों, तो 9 और 12 का एलसीएम आएगा 36, कितना आएगा 36। अब 36 जो आया वो क्या आ गया, तो आपका टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क आपके पास 36 आया, तो अब एक क्षमता निकालिए, क्षमता निकालिए कैसा, तत्समय से उसके टोटल वर्क में डिवाइड करो, तो 9 से कई मर्त में कटेगा, तो 9 से 36 चार मर्त में, इसका मतलब क्षमता 4, 12 से 36 कई मर्त में, तो 12 से 36 तीन मर्त में, इसकी क्षमता 3। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात कि 36 को काम करना है और ये जो है 4 काम उसका, दिलीप का अकेले एक दिन का काम है और राम का 3 काम जो है वह एक दिन का काम है। तो बोल क्या रहा था क्वेश्चन कि दोनों मिलकर इस खेत को कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलेगा तो आप बताइए यहां से 4 को काम ही करेगा एक दिन में, और 4 को काम, 3 को काम ये करेगा, तो 4 और 3 कै काम, 7 काम हो गया, तो एक दिन में 7 काम हुआ, हमको 36 काम करना है तो कितना दिन लगेंगे, तो दोनों जोड़कर 4 × 3 = 7 से डिवाइड कर दोगे तो 7 × 5 = 35 आ 1 पूर्णांक 7, यानी इसका जो आंसर होगा वह 5 पूर्णांक 1/7 होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि ए कॉमा बी और सी एक काम को क्रमशः 24, 6 और 12 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, एगो है ए, एगो है बी, एगो है आपका सी, और ये करता है 24 दिन, और ये करता है आपका 6 दिन, और ये करता है आपका 12 दिन। हमने क्या बताया कि टोटल वर्क जो होता है वो सबके द्वारा लिए गए समय का एलसीएम, तो 24, 6 और 12 का जब एलसीएम मतलब लॉसर निकालोगे दोस्तों तो कितना आएगा, तो 24, 6 और 12 का जो लॉसर होगा वह दोस्तों हो जाएगा 24, और 24 जो हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, टोटल वर्क। अब 24 टोटल वर्क निकल गया तो सबका पहले कैपेसिटी निकाल लीजिए, कैपेसिटी मतलब क्षमता, क्षमता कैसे निकालिए तो डिवाइड कर दीजिए, तो 24 से कै मर्त में कटेगा, तो 1 मर्त में क्षमता 1, ये 6 से कै मर्त में कटेगा तो 4 मर्त में, इसका क्षमता 4, और ये जो है आपके पास 12 से कै मर्त में कटेगा 2 मर्त में, तय क्षमता हो गया 2। अब आपके पास सबका पर्सनली क्षमता निकल गया, जब क्षमता निकल गया तो टोटल वर्क निकालना मतलब टोटल वर्क जो है कितना दिन में करेगा ये निकालना बहुत ही आसान हो गया, तो तीनों मिलकर बोला था, तो तीनों मिलेगा तो आप बताओ एक दिन में कितना वर्क होगा, तो ये 2, 4, 6 और 1, 7, तो एक दिन में 7 वर्क हो गया, 24 वर्क करना है तो 7 वर्क, ये देखिए ये 2 एक दिन, इसका क्षमता हो गया 2, ये 4 और ये 1, यानी एक दिन में ये 2, 4, 6 और 1, 7 वर्क हुआ, यानी एक दिन में अगर 7 वर्क हुआ तो 24 वर्क करना है, यानी 24 काम करना है, तो कितना दिन लगेगा, तो 7 से डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो 7 × 21 = 3 पूर्णांक 3/3 कितना होगा 7 दिन, यानी 7 × 21 = 3, 24 / 7 यानी इसका जो आंसर होगा 3 पूर्णांक 3/7 दिन। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 3 मित्र एक कार्य को अकेले अकेले क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में करते हैं, तो तीनों मित्र मिलकर उसे कितने दिनों में करेंगे, ध्यान से देखिए 3 गो मित्र है, एगो मित्र ये फर्स्ट मित्र, ये सेकेंड मित्र और ये थर्ड मित्र, इनका द्वारा लिया गया समय कितना कितना है, तो एगो है 10 दिन, एक है 12 दिन, और एक कितना है, तो एक है आपके पास 15 दिन। अब हमने क्या बताया कि टोटल वर्क जो निकलता है इनके द्वारा लिया गया समय का एलसीएम ही टोटल वर्क कहलाता है, तो 10, 12 और 15 का जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो एलसीएम होगा वह आपके पास हो जाएगा कितना, 10, 12 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 60, यानी 60 इसका मतलब टोटल काम हो गया। अब 60 टोटल काम है तो आप देखो सबसे पहला नंबर कि 10 है, तो अब इसका क्षमता निकालना जरूरी है, जब तक क्षमता नहीं निकलेगा तब तक हम बता नहीं सकते हैं किसी के बारे में कि वो कितना दिन में कोई भी काम कर पाएगा, तो पहले का क्षमता निकालिए, तो 10 से 60 कै मर्त में कटेगा, तो 6 मर्त में, तो इसका मतलब इसका क्षमता 6, 12 से 60 कै मर्त में कटेगा तो 5 मर्त, इसका मतलब इसकी क्षमता कितना 5, ये 15 से 60 कै मर्त में कटेगा तो इसका क्षमता 4, इसका मतलब ये जो क्षमता निकला वो पर डे क्षमता निकला, पर डे का मतलब क्या कि एक दिन में एक क्षमता है 3, 6 काम करने का, और एक दिन में एक क्षमता कितना काम करने का है
पांच काम करने का और एक दिन में क्षमता कितना है चार काम करने का। तो बोला है कि तीनों मिलकर पूरा काम कितना दिन में करेंगे, तो तीनों मिलकर जब काम स्टार्ट करेगा तो एक दिन में कितना काम होगा, तो छह चार दस पांच पंद्रह, यानी छह चार दस पांच पंद्रह, यानी एक दिन में तीनों मिल जाएगा तो पंद्रह काम हो जाएगा। हमको करना कितना काम है साठ काम, कितना दिन लगेगा तो पंद्रह से डिवाइड कर दीजिए, पंद्रह से डिवाइड कर दीजिए तो क्या मरते में चार मरते में, इसका मतलब चार दिन में ये टोटल काम कर देगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को ए से आधे समय में पूरा कर सकता है, तो वे दोनों मिलकर एक साथ एक दिन में कितना काम का कितना भाग करेंगे। ध्यान से देखिए, ए किसी काम को कितना दिन में करता है, तो ए जो है पूरा काम 18 दिन में करेगा, यानी ये पूरा काम हो जाएगा 18 दिन पूरा काम। बी का जो पूरा काम होगा वह क्या होगा, तो बोला है बी के बारे में, बी उसी काम को ए से आधे समय में करता है। आधे समय का मतलब जितना ए समय लिया है ओकर आधा समय लेता है बी, तो 18 दिन ये है पूरा समय, तो आधा समय कितना हुआ 9 दिन। इसका मतलब बी जो है पूरा काम कितने दिन में करता है 9 दिन। अब हमसे पूछ रहा है कि दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया काम का भाग बताइए। तो आपको जस्ट बताए थे दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट समझाए थे उस टाइम में कि एक दिन का काम होता है क्या चीज, टोटल काम जो दिया है पूरा काम करने का जो दिया हुआ समय है उसका उल्टा। यानी अगर हम एक दिन का ए का काम निकालेंगे तो एक दिन का ए का काम हो जाएगा कितना 1/18, और एक दिन का बी का काम निकालेंगे तो 1/9। अब ध्यान से देखिए, दोनों का जब एक दिन का वर्क निकालेंगे तो इसका मतलब दोनों का एक दिन का वर्क निकाला है, जोड़ देना है। अब इसका एलसीएम लीजिएगा दोस्तों, तो 18 और 9 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 18 और 9 का एलसीएम कितना होगा 18, यानी 18 कै मरतब में, तो ये 1 मरतब में, 9 कै मरतब में, तो 2 मरतब में, यानी 3/ कितना होगा 18, यानी एक दिन में उसका काम का दोनों के द्वारा किया गया काम होगा 3/18। इसको काट देंगे तो 1 मरतब में 6 मरतब में, इसका मतलब 1/6 होगा दोनों के द्वारा एक दिन का किया गया काम। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि ए तथा बी एक साथ एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी अकेला उसी काम को 36 दिन में कर सकता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग हुआ है। बोल रहा है कि ए और बी, तो ए जोड़ बी कै दिन, तो आपका है 12 दिन में कोई काम करता है। और उसके बाद बोला कि बी उसी काम को कै दिन में 36 दिन में, यानी बी जो है कै दिन में करता है 36 दिन में। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, 12 दिन में करता है 36 दिन में, तो हम क्या बताए थे कि टोटल जो वर्क होता है वो लिया गया समय का जो है एलसीएम, तो जो दिया गया समय है उसका एलसीएम निकालेंगे, तो ये 36 ये 12 ये 36 ये 12 ये 36, इसका एलसीएम कितना हुआ तो 36। इसका मतलब इसका जो कैपेसिटी यानी क्षमता निकालेंगे तो 12 से 36 कै मरते में तो 3 मरते में, 36 से 36 कै मरते में तो 1 मरते में। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि यहाँ कैपेसिटी 3 है, यहाँ पर कैपेसिटी 1 है, तो 3 है तो कई आदमी है, तो ए और बी दोनों है, यानी ए और बी दोनों मिलाकर यहाँ पर 3 काम करता है और बी यहाँ पर कितना काम कर रहा है 1 काम कर रहा है। तो हमसे ए के बारे में पूछा, यानी ए के बारे में पूछा, ये तो टोटल वर्क हो गया, और हमसे ए के बारे में पूछा, तो ए के बारे में पूछा है तो ए की जब तक क्षमता नहीं निकलेगी अकेले तब तक उसका टोटल वर्क नहीं निकलेगा, तो ए का क्षमता कैसे निकलेगा। देखिए ए का तो ये 3 आप देख रहे हैं, तो 3 तो ए और बी दोनों को मिलाकर क्षमता नहीं, सिर्फ तो ए का है नहीं, तो ए का क्षमता कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए, ए और बी मिलकर 3 को काम किया और इसमें से बोला बी कि हम करें 1 काम, तो 3 काम दोनों मिलकर किया जिसमें से बी कहा हम एगो काम किया, तो बताओ कि यानी ए और बी मिलकर 3 काम किए जिसमें से बोला बी कि हम 1 काम किए, तो बताइए
आप ही बताइए कि दो आदमी मिलकर तीन गो काम कर रहा है, जिसमें से एक आदमी बोला कि हम एक गो काम किए, तो दूसरा आदमी के लिए कितना बचा काम? तो आप कहोगे दो काम, क्योंकि जब ये इसमें से तीन में से एक काम ये कर लिया तो बचा तीन में से क्या काम? एक काम जब निकल गया तो बचा क्या काम? दो काम। इसका मतलब दो काम जो बचा, इसमें से बी का काम निकल चुका है तो बचा ए ना। इसका मतलब ए की क्षमता कितना हो जाएगी? दो। और जब ए की क्षमता निकल जाएगी तो टोटल वर्क निकालना आसान है। टोटल वर्क निकालने के लिए उसकी क्षमता से डिवाइड कर दीजिए, तो इसका टोटल वर्क, इसका क्षमता दो है, टोटल वर्क 36 है, तो दो से डिवाइड कीजिएगा 36 को, यानी दो से भाग कीजिएगा तो 36 का मर्तब है 18 मर्तब है। इस प्रकार से हमारे पास जो आंसर हो गया ए, इस काम को अकेला कै दिन में करेंगे? 18 दिन। उम्मीद है दोस्तों आज का क्लास आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। अगर आज का क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।